अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है मेरे भाइयों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पर लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब भी करें। तो आपको थंबनेल से तो समझ आया होगा तो वीडियो किस पे बना रहा हूँ। तो आज का वीडियो हमें इस पे कि अगर आपके पास कोई भी नॉर्मल वीडियो हो तो आप उसको 4K क्वालिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको चाहिए एक एप्लीकेशन चाहिए आपको, कैप कट। वो आपको इजीली प्ले स्टोर पर मिल जाएगा कैप कट, मगर आपको उसको लेटेस्ट उसका लेटेस्ट वर्जन आपको चाहिए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर एक बार समझ नहीं आई तो दोबारा देखना, फिर ना अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आपको फिर समझ नहीं आएगा, तो फिर आप बोलोगे आपने गलत बताया। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो लेट्स गो, चलते हैं। तो लेट्स गो चलते हैं। तो दिखा देंगे आपको कैसे करनी है एडिटिंग। तो सबसे पहले हमें कैप कट ओपन करना है। तो कैप कट ओपन करने के बाद, मगर ये आपको ध्यान रखना है कि हमारा वो कैप कट लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। तो न्यू प्रोजेक्ट पे सिलेक्ट किया, तो ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो मैं ले रहा हूँ। और पहले तो वीडियो कैपकट में आने के बाद सबसे पहले आपको जो लास्ट वाला है कैपकट का आता है, एंडिंग वाला है, ये आपको डिलीट करना है। उसके बाद आपको इस पे वीडियो पे फिर टच करना है। तो आपको जो नीचे ऑप्शन दिख रहे हैं तो उस पे आपको वहाँ एडजस्ट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद एडजस्ट के बाद आपको जाना है आगे, यहाँ पे ग्राफिक वाला आपको सिस्टम मिल रहा है, ऑप्शन मिल रहा है। तो जो आपको ये वाइड लाइन दिख रही है तो इसको ओपन करना है, 255 रखना है। इस साइड भी नीचे करना है, यहाँ पे भी 255 रखना है, मगर ये आपको ध्यान रखना है कि 255 पे रहे। उसके बाद रेड डॉट को टच करना है और ये वाले लाइन को 255 और इस साइड के लाइन को 255। उसके बाद ग्रीन वाला इसको भी 255, इसको भी 255, उसके लास्ट वाला ब्लू वाला इसको भी 255, तो 255। तो इसके बाद क्लिक करना है। तो अब हमारा वीडियो इस तरीके हो गया, आप देख सकते हैं। आपको और एक काम करना है वीडियो पे, यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा है इफेक्ट वाला, आपको ऑप्शन दिख रहा होगा इफेक्ट वाले पे टच करना है। उसके बाद आपको वीडियो वाला जो वहाँ पे इफेक्ट दिख रहा है इस पे टच करना है। उसके बाद आपको जाना है आगे, इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग में आपको ये पहला वाला जो हॉलो ब्लर दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद पूरा इस ब्लर को पूरे वीडियो पे लगाना है। तो हमारा ये लग गया पूरे वीडियो पे। तो उसके बाद आपको ये 180 पे आपको 1080 पे आपको करना है, सेव करना है। आपको फ्रेम रेट भी हाई रखना है और कोड रेट भी हाई रखना है। उसके बाद आपको सेव करना है। ये जब तक सेव हो जाएगा तो तब तक तो वीडियो सेव होने के बाद आपको ये नीचे वीडियो दिख रहा है, ये वीडियो आपको नहीं लेना है, जो आपने वीडियो बनाया इसको नहीं लेना है। तो आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। तो जो पहले वीडियो जो जो एडिटिंग नहीं हुआ था उस वीडियो पे फिर क्लिक करना है। तो हमने वो फिर ऐड करना है। सबसे पहले वो पहला वाला काम करना है, इसका वो पीछे वाला एंडिंग वाला कट करना है। उसके बाद हमें ओवर जो आपको नीचे आप पे नीचे पे ओवरले का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना है, ऐड पे क्लिक करना है। उसके बाद जो हमने वीडियो अभी एडिटिंग किया उस पे क्लिक करना है, तो इसको ऐड करेंगे। उसके बाद इसको ऐड किया पहले, उसके बाद इसको फिट करेंगे स्क्रीन पे, पूरा फिट स्क्रीन करेंगे। तो हमारा हो गया ये फिट स्क्रीन हो गया। तो भी नहीं, तो हमारा ये फिट स्क्रीन हो गया। उसके बाद आपको इसी जो वीडियो पे टच करना है तो आपको नीचे यहाँ पे आपको नीचे ब्लेंड वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना है। तो आगे जाना है आपको बर्न वाले पे क्लिक करना है। तो इस बर्न को आपको 25 से 20-30 पे रखना है आपको। तो मैं भी 25 पे रखता हूँ इसको, तो मैंने 25 लिया, क्लिक किया। उसके बाद आपको फिर यहाँ पे नीचे ओवरले का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो फिर उस पर क्लिक करना है। उसके
उसके बाद आपको एक वाइट वाला बैकग्राउंड लेना है, उस पर क्लिक किया हमने वाइट वाले बैकग्राउंड पे, तो वाइट वाला बैकग्राउंड हमने ले लिया, ऐड हो गया। वो वाइट वाले बैकग्राउंड को फुल करना है, इमेज को फुल करना है और पूरी वीडियो पे लगाना है, तो हमारा ये लग गया, पूरी वीडियो पे लग गया। उसके बाद वाइट वाले बैकग्राउंड पे ऐड कर फिर आपको ब्लेंड पे टच करना है। यहाँ पे आपको चौथे नंबर पे ओवरले का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। तो अभी आप देख सकते हो वीडियो की क्वालिटी कैसी आ गई। अभी आपको आप इस यहाँ से भी इसको कम भी कर सकते, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक किया हमने, उसके बाद जो पहला वाला वीडियो था ऊपर वाला, उसके पे उस पर क्लिक करना है। आपको पहले वाले ऑप्शन पे जाना है, एडजस्ट वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे ब्राइटनेस है, इसको आपको हाई कम भी कर सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पे इसको हाई करते हैं। और उसके बाद आगे कंट्रास्ट ये नहीं लगा देंगे, आगे वाला ऑप्शन है इसको लगा देंगे। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे हाई किया इसको, एक्सप्लोर को भी थोड़ा कम करेंगे। आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन आपको जो लगे वीडियो पे जरूरत है, आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हो। तो मैंने ये सेव किया, तो अब आप देखो वीडियो कैसे, जो पहला था वीडियो आप कैसा होंगे। इजी आप किसी भी वीडियो को एडिटिंग इजी कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर लाइक करें, और मेरे अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब भी करें। तो दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।